हाय शार्क्स, जिंदगी कितनी मैजिकल होती है ना, और हर चैलेंज एक मौका कुछ कर दिखाने का। और ऐसे ही जब सिर्फ 15 साल की उम्र में हाथ में 300 रुपए लेकर मैं अपने घर से बाहर निकली, तो मेरी आंखों के सामने था सिर्फ अंधेरा। ना ये पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है, मगर जिंदगी मुझे ले गई एक ब्यूटी पैजेंट में, जहां मैंने देखा कि कैसे एक ज्वेलरी का पीस आपके पूरे लुक को उभार देता है। जब मैंने इस पे और रिसर्च की तो देखा कि इंडिया में ज्वेलरी बहुत ही स्क्रैटर्ड तरीके से बिक रही थी। एक तरफ थी हाई एंड लग्जरी डिजाइनर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, और दूसरी तरफ थी बिल्कुल ही इमिटेशन, लो स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड हो जहां पर हाई क्वालिटी, हाई डिजाइन और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हो, और ये सारे एक ही क्लिक पे अवेलेबल हो। और ऐसे ही शुरुआत हुई रुबांस एक्सेसरीज की, और आज हम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड हैं। हाय एवरीवन, दिस इज चीनू काला, फाउंडर रुबांस एक्सेसरीज। एंड हाय एवरीवन, आई एम अमित काला, वी आर फ्रॉम द गार्डन सिटी बैंगलोर। रुबांस की शुरुआत हमने 2014 में की विद जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख। आज वी आर सो हैप्पी टू से कि हम 25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। वाह। शार्क्स, हमारा अपना विजन है कि हम रुबांस को इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाएं। सो इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी। What? साथ में पानी वानी लाए हो पीने के लिए कि नहीं? I think we met once at in an event in Bangalore, right? Yes. You were also there. Yeah, I was there, and मैं actually तीनू की story जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो story मैंने actually Josh Talks पे सुनी थी and मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी serendipitous है कि you know तीसरी चौथी बार मैं आपकी story से inspire हुई हूँ। Right. चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी। मैं सिर्फ 15 साल की थी, काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से, तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे, और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम साउथ अरेबिया रहती थी। अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैं नाना सुपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई, और वहां पर 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। कहां? बॉम्बे में। बॉम्बे में। मेरे पास ना 300 रुपए थे, और मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा, और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए, तो मैंने एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? यस। तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी, वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी, 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर। पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था, जहाँ पर हफ्ते में एक बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी, और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया, और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है, हर पीस जो आप बेचोगे उस पर कमीशन मिलेगा। जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोर बेल बजाई, दैट लेडी उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनेल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था, उसने
जो स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने दो दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मेट्री है और डॉर्मेट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मेट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी, फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मानी तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए सेल करके ही जाना है। रोते हुए जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोर बेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीज मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीज कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी। बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहां से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। क्रेजी। तो अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर, और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। हमने शादी की। Just quickly, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा जी। Then ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटीशियन का कोर्स किया, तो घर पे सलून चला रही थी। उसके साथ मैंने सोचा भारत इन डॉलर्स बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में। और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई वॉज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की। आपने पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला आपको इस पूरे दौरान? कभी नहीं। आपने किस क्लास में छोड़ा था ये? 7। आपने तो सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली, जो रियल पढ़ाई होती है ग्राउंड की। तो यू कैन टीच मेनी अदर स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू। आई वाज इनवाइटेड एट IIM अहमदाबाद जस्ट 2 महीने पहले। वाओ। और वहां पे मैं स्टूडेंट्स को लाइफ के लेसन दिखा रही। देयर यू गो। फर्क बहुत है आपके और हमारे तालीम में। हमने उस्तादों से सीखा, आपने हालातों से। अरे वाह, क्या बात। और अमित जी वो टाइम आप क्या कर रहे थे जरा? मैं स्टार स्पोर्ट्स एंड ESPN के लिए 2007 से 2011 तक काम कर रहा था। क्या काम करते थे आप? डिस्ट्रीब्यूशन देखता था मैं। अच्छा जी। एंड देन 2011 से 2020 तक मैंने वायरकॉम नेटवर्क 18 के लिए काम किया। Understood. और 2020 में मैं आपने अपनी जॉब छोड़ के रुबांस फुल टाइम जॉइन किया है हमें। Yes. अच्छा। आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, व्हाट इज सो डिफरेंट एंड यूनिक? बेला। वाह सरताज, लगोगे पहन के दिखाओ। वाओ। I like you to try this. This is one of my favorite. Oh wow, it looks amazing. Oh my god. I love it. These are like, you know, J-Lo earrings. Yes. इसका प्राइस क्या होगा? This will be for 8,000. And this will also be same range. नहीं नहीं, ये 2,200. Right. ये वाला 650.
ये आप इंडिया में बनाते हैं? हाँ जी, हाँ। कहाँ पे इंडिया में कहाँ बनाते हैं? मेजर हब्स हैं कलकत्ता, कलकत्ता के गांव, थोड़ा दिल्ली में है, बॉम्बे है एंड राजस्थान इज वेरी बिग। डिजाइन्स आपके हैं या रेडीमेड अवेलेबल होते हैं? आप क्यूरेट करते हैं, चूज करते हैं उनको? सो 80% डिजाइन हमारे हैं, 20% यस हम क्यूरेशन करते हैं। तो वो डिजाइनर्स हैं आपकी टीम में? Yes. मैं जयपुर से आता हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत सारी दुकानें देखी हैं जिसमें ये माल मिलता है। बिल्कुल। इनकी जो प्राइस है वर्सेस अगर मैं लोकल शॉप पे जाके सिमिलर आइटम खरीदता हूँ उसमें कितना डिफरेंस है? जो आप कॉमन शॉप्स में देखेंगे वो 10 शॉप पे अवेलेबल होगा, बट अगर आप मुझे बोलते हैं कि सेम डिजाइन कहीं पर अगर किसी ने मेरा कॉपी किया है तो वो 20-25% हम उससे महंगे ही होंगे। समझ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसका मार्केट साइज क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये फैशन ज्वेलरी की? एज ऑफ लास्ट ईयर करीब 26,000 करोड़ की थी, बाय 2027 आई थिंक हम देख रहे हैं करीब 45,000 करोड़ की इंडस्ट्री। एंड मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड, 88% अनऑर्गेनाइज्ड। वाओ। क्योंकि 12% शेयर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड या ब्रांड्स के पास है। मैंने जितना देखा है हम खेल रहे हैं डिजाइन पे और प्राइसिंग पे, ये दो चीजों पे खेल रहे हैं, पर ब्रांड के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे बनेगा ये ब्रांड बड़ा? कुछ नंबर्स देना चाहूंगी मैं आपको। हमारी अब 30% रिपीट रेट है, सो कस्टमर्स लाइक आर ब्रांड, दे लाइक आर डिजाइन, जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है D2C के लिए। और हम बूटस्ट्रैप कंपनी है और बहुत ही लीन टीम है, तो उस पर हम कभी फोकस ही नहीं कर पाए, बट हमने ब्रांड क्रिएट किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मिंत्रा में ही 40% कस्टमर्स हमारा नाम सर्च करके हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपकी कितनी सर्चेस होती हैं पर डे, कुछ अंदाजा दीजिए? 38,000 सर्चेस होती हैं, 18,000 ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ। कंज्यूमर रेटिंग क्या आते हैं आपकी? Anything between 4.5 to 4.8. अच्छी रेटिंग्स हैं। सर हम बेस्ट परफॉर्मर हैं, हमें ये कंफर्म कर रहा हूं। तो हम पिछले 3 साल से मिंत्रा के हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड हैं। सेल्स बताइए। सो हमारी लाइफ टाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं। वाओ। FY21 में हमने नेट 29.7 क्रॉस किया, 22 में हमने 51 क्रॉस पे क्लोज किया है। वेल डन। And this year we should be closing at 65 crores. और इसमें profit कितना था आपका 51 में और 65? 51 में हमारा EBITDA margin उस समय 8% था, हमारी net sale 36 करोड़ की थी। तो आपने फिर 2.5 करोड़ कमाए, 2.5-3 करोड़। और अभी इस साल net revenue कितना होगा? इस साल net revenue हम around 44 से 45 crores करेंगे। और कितना profit कमाएंगे आप? 15% का EBITDA। Well done. मेन ज्वेलरी बिजनेस कहाँ चलता है, कहाँ पे बिकता है? मिंत्रा। कितना परसेंटेज आपका? हमारा अराउंड 75% बिजनेस मिंत्रा से आता है। ओह, दैट्स ह्यूज। D2C हमने आज से 6 महीने पहले शुरू किया है, इस साल में हम करीब 8 करोड़ कर लेंगे अपने D2C। When you said D2C, आप कैसे, क्या परिभाषा है आपकी D2C की? हम अपनी वेबसाइट, ठीक है, उसमें आप अभी 6 महीने हुए। एक ही प्लेटफॉर्म से 75% शेयर इज लाइक गिविंग द पावर टू दैट प्लेटफॉर्म, राइट? हमारे प्रोडक्ट्स के ASP जो है वो मार्केट से थोड़े ज्यादा है, बिकॉज किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका ASP 280 से 300 रुपए। हमारा ASP 800 रुपए है। 800 रुपए आपने बोला ASP, ये डिस्काउंट के बाद है? या है। हाँ। और ग्रॉस मार्जिन कितना होता है उस पे? 70%। आप लोग का जो इक्विटी का कैप टेबल है वो कैसा दिखता है, दोनों के बीच में क्या स्प्लिट है इक्विटी शेयर्स का? So, अभी तक तो वो मेरा ही चेक साइन करती हैं सैलरी का। She owns 81%, she and her mother own 81%. बाकी उन किसके पास है उनमें? So, मिंत्रा का एक्सेलरेटर प्रोग्राम का भी पार्ट है। हाँ जी। So, उसमें हमने 2018 में 19% वहां दिया। आपका अपनी वेबसाइट पे CAC क्या है? 356 रुपीज। और आज तक आपने फंड रेज नहीं किया? नहीं, फंड नहीं रेज किया। अभी फिलहाल टीम में आप दोनों हैं, राइट? जी। और कौन है टीम में? एट अ बिगर लेवल तो हम दोनों ही हैं, और कोई नहीं। पर आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, आपने 2.5 करोड़ का EBITDA बनाया, अभी आप 5-6 करोड़ का बना रहे हैं, तो आपने एक सॉलिड जबरदस्त टीम क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? No, Piyush, I think, जो जर्नी हमारी 0 to 1 की है वो एक लेवल तक हमने चली है। आई थिंक 1 to 10 और 10 to 100 की जर्नी थोड़ी डिफरेंट है। हमारा एक रीजन यहाँ पर आने का ये भी था कि आपके एक्सपीरियंस से अगर हम एक गलती कम करेंगे ना आगे लाइफ में, आई थिंक वर्थ। मुझे ये लगता है कि अपने को अगर इस कंपनी को थोड़ा बेटर मार्जिन प्रोफाइल में ले जाना पड़ेगा तो अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऊपर खींचनी पड़ेगी।
तो इसके अंदर आपका कोई व्यू पॉइंट है कि आपके जो 800 रुपए का ऑर्डर वैल्यू आता है उसको ऊपर ले जाने का स्कोप है या नहीं? हमने इसी को एड्रेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पे हमारा ASP है 1700 रुपए का। ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू है या फिर एक ऑर्डर की वैल्यू है? नहीं नहीं, एवरेज सेलिंग प्राइस। दो तीन प्रोडक्ट लगते हैं उसमें, एक प्रोडक्ट लगता है? नो, सो हमारा एवरेज बास्केट साइज इज 1.1। गॉट इट। सेकंड, मुझे लगता है कि आपकी जो टीम में एक चीज का मिसिंग लिंक है, वो आपको एक टेक मार्केटिंग टाइप का को-फाउंडर चाहिए होगा। जब ओपन होंगे एक को-फाउंडर लाने के लिए, सारी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। दो अच्छे खासे आप यू नो यहां तक ले आए हो धंधा, बहुत बड़े बड़े D2C ब्रांड्स बन गए विदाउट टेक। को-फाउंडर नहीं सोच रहे हैं, बट अगर हमें टीम खड़ी करनी है तो वो तो को-फाउंडर के बगैर भी हो सकती है। वेल डन, वेल सेड। अभी ओपन नहीं रहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि आपका बिजनेस आपने अच्छा बनाया है। मैं इस समय बाहर होना चाहूंगा आपके इस ऑफर से। तो प्राइमरी रीजन है कि मेरे को लगता है कि टेक और प्रोडक्ट का जो आपका और डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो और को-फाउंडर लाने के लिए ओपननेस नहीं, मेरे को लगता है स्केल अप वहीं से आना है। और मुझे लगा कि वहां पर आप लोग का प्रोडक्ट अच्छा है, एक चीज एक पिलर मिसिंग है और उसके लिए ओपननेस कम लगी मेरे को, इसलिए आज मैं बाहर जाना चाहूंगा। आई थिंक चीनू, जो आपने ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप ने रिफ्लेक्ट की है फॉर श्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट द पर्सिवेरेंस। आई थिंक जिस स्टेज पे अभी आपका बिजनेस आ गया है ना, यहाँ से जर्नी एक अलग जर्नी है। अभी आपको जरूरत है ज्यादा टीम स्ट्रक्चर बनाने की और इसको आगे कैसे ले जाने की, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चीनू, पिछले 12 महीने में मैंने आपको शायद कई बार आपका स्टोरी के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जब भी लाइक टफ डेज होते हैं ना, तो मैं याद करती हूँ कि मैं ट्रेन के स्टेशन पे सोई नहीं हूँ, मेरे मुंह पे दरवाजा किसी ने स्लैम नहीं किया है, वड़ा पाव खरीदते टाइम मुझे कभी सोचने का नौबत नहीं आई है। तो मैं कितनी लकी एंड कितनी प्रिविलेज हूँ, और मुझे अपनी यू नो प्रॉब्लम्स के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, 1 crore in equity for 1% of the business and 50 lakhs in debt for 12% interest rate. बहुत पापड़ बेले आपने, हमने भी बेले, भूख समझते हैं, लेकिन जिस तरह के आपने परखा, you have studied from the university of life, मैं आपको 1.5 crore का ऑफर करता हूं जो आपने मांगा, वही वैल्यूएशन पे जो इन्होंने दिया, लेकिन कोई डेट नहीं। मुझे लगता है कि अभी 6-6.5 crore का EBITDA है आपका, आपको लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, बट जैसे ग्रोथ में पैसा डालेंगे ना, तो बहुत जरूरत नीड पड़ेगी, तो उसमें डेट बांध लेना ये टाइम पे मैं नहीं समझता हूँ इज वाइज। मैं नमिता और विनीता के साथ जुड़ जाता हूँ उस ऑफर में। Dream team, 1 crore for 1% and 0.5 crore at 12%. भाई आप बिजनेसमैन हो, डेट वेट मत लेना। So अमन, विनीता, क्या आप लोग अपने ऑफर को जो डेट का पोर्शन है उसको इक्विटी में डाल करके आ सकते हैं? एक चीज में शार्प टैंक को एक क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो एक भूसा डाला है ना सबके सर में कि डेट इज बैड, भूसा, please understand debt is cheaper than equity, not at this stage, no absolutely at any stage, well at this stage aur bhi zyada cheap hota hai, are yaar tum galat dikha rahe ho, rather than counter take the dream team and move ahead, aur jahan inventory ka sawal hai na, debt se bahut fayda hai, wo to bank bhi de dega, bina manufacturing ke nahi milta hai। I think we'll okay. go with the dream we'll team. We'll go with the deal. What is the dream team? 1 crore, 1% and 50 lakhs debt. Yeah. Good, good for that. Good decision. Thank you so much. You made the right call, Amit.